पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात बलुचिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरच्या स्वातंत्र्याच्या मागणीला जाहीर पाठिंबा दिला. याचं पाकिस्तान बाहेर राहणाऱ्या बलुच नेत्यांनी स्वागत केलंय. सध्या स्वित्झर्लंडमध्ये असलेले बलुच रिपब्लिकन पार्टीचे नेते ब्रह्मदाग बुक्ती यांनी मोदींचे जाहीर आभार मानले. लंडन स्थित बलुच नागरिकांनी मोदींनी दिलेल्या पाठिंब्यामुळे पाकिस्तान सरकार करत असलेल्या अन्यायांना वाचा फुटल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. पाकिस्तानचं खरं रूप जगानं ओळखलं असा जोरदार टोलाही मोदींनी लगावला. पेशावरच्या हल्ल्याच्या वेळी सगळा भारत हळहळला, पण पाकिस्तानच्या बाजूनं बुरहान वानीच्या एन्काउंटरनंतर काळा दिवस साजरा होतो याला काय म्हणायचं असा प्रश्न यावेळी मोदींनी केला. बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगित के लोगों ने, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, जिस प्रकार से मेरा आभार व्यक्त किया है, मेरे प्रति उन्होंने जो सद्भावना जताई है, दूर दूर बैठे हुए लोग जिस धरती को मैंने देखा नहीं है, जिन लोगों को विषय में मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन ऐसे दूर सुदूर बैठे हुए लोग हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं, उसका आदर करते हैं, तो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का आनंद है, वो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान है. और इसलिए ये सम्मान का भाव, धन्यवाद का भाव करने वाले बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगित के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं. आई थैंक द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी साहेब फॉर स्पीकिंग अबाउट बलूचिस्तान प्रॉब्लम. आई थैंक प्राइम मिनिस्टर मोदी साहेब ऑन द बिहाफ ऑफ होल बलूच नेशन एंड वी होप दैट द इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन मीडिया एंड whole Indian nation will not only raise their voices for Baloch nation but also strive to help practically the Baloch independence movement. Zee 24 taas raha ek paul pudhe.